सेवा वो अमली साधना है जेड़ी होमे हंकार नु तोड़दी है। गुरबाणी ता कहंदी है कि गुरु दे शब्द दी विचार करनी ही गुरु दी सेवा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करने जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी मैं रामत सदका अज मैं आप जी दे नाल सेवा संबंधित कुछ विचारा सांझिया करन जा रहा हाँ। सेवा, सेवा है कि पर स्वार्थ लई कीता गया हर काम सेवा है। गुरबाणी अते गुर इतिहास विच सेवा दा बहुत महत्व है। निष्काम सेवा सिख दे जीवन दा आधार है। सेवा ओ अमली साधना है जेड़ी होमे हंकार नू तोड़दी है। ए सेवा ही है जो मनुख नू अंदरों बाहरों निर्मल प्रकाश नाल नूरों नूर कर दिंदी है। असल विच गुरबाणी ता कहंदी है कि गुरु दे शब्द दी विचार करनी ही गुरु दी सेवा है। गुर की सेवा शब्द विचार। सेवा नाल सज्जिया शरीर अपने लिए घट अते दूजिया लिए ज्यादा जीवंदा है। सेवा करन वाले जीव दी उस मालक प्रभु तक सिद्धी पहुंच हो जांदी है। सेवा करत हुए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवा करन लिए कोई उम्र निश्चित नहीं अते ना ही समा निश्चित कीता जा सकता है कि किन्नी देर सेवा करन मालक प्रभु खुश हुंदा है। सगो गुरबाणी तां कहंदी है कि जिन्नी देर इस मनुखा देही अंदर स्वास हन सेवा करदे रहना चाहिदा है। जिच्चर अंदर सांस तिच्चर सेवा कीचै जाए मिलिया राम मुरारी। पर सेवा किसे वड्डे पागा वारे दे नसीबां विच आउंदी है। जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। सेवा करन नाल संसारी सुख अते संसार तो उपराम होके रहन दे वस्ता दे सारे सुख प्राप्त हो जाने हन। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। सेवा करन लई ओही समर्थ हो सकदा है जिस ते अकाल पुरख दी बख्शिश होवे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे। जे आपां अपने गुरु इतिहास वल झात मारिए तां पता चलदा है कि निष्काम सेवा दी इतनी महानता है कि दूजे तीजे अते चौथे गुरु साहिबान ने निष्काम सेवा सदका इलाही गुरगद्दी प्राप्त कीती। भाई लैणा जी ने आपा भाव अते मान वड्याई त्याग के गुरु नानक साहब दी अनथक सेवा कीती तो उन्हां दा रूप ही होन बड़े। अते फिर गुरु नानक साहब ने भी भाई लैणा जी नूं इतनी वड्याई दित्ती अते कहा तुसी मेरा अंग हो गुरु अंगद हो। इंज ही 62 साल दी उम्र विच गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब दी शरण आए अते उस बिरध अवस्था विच भी इतनी कु महान सेवा कीती के अज दा कोई जवान उम्र दा व्यक्ति भी ना कर सके। अते कोई एक दो दिन जा महीने नहीं सगो लगातार 11 साल आप जी ने अपना कुड़म होन दा गुमान ना रख दिया गुरु अंगद साहब दी अनथक सेवा कीती। गुरु साहब ने अपनी बाणी विच भी गुरु दी सेवा करन ते बहुत जोर दिता है। गुरु साहब अनुसार गुरु दी सेवा करन नाल ही हिरदा शुद्ध हुंदा है, होमे दूर हुंदी है अते परमात्मा दा नाम मन विच वसदा है। अते जेड़ा भी मन ला के गुरु दी सेवा करदा है उसनु निश्चय ही सफलता प्राप्त हुंदी है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। एक और ताहीं गुरु साहब जी फरमाते हैं हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। भाई जेठा जी भी गुरु अमरदास जी दी सेवा भाव वाली वड्डी कसवटी उत्ते पूरे उतरे अते फिर गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी विच अनन सेवा भाव नू वेखनेया भाई जेठा जी नू गुरगद्दी सौंप दित्ती। साडे इतिहास विच कई होर सिखां जिवें बाबा बुढ़ा जी, भाई मंज जी, भाई बैलो जी अते भाई कन्हैया जी ने सेवा दे महान पूरने साडे लई पाए हन। सेवा स्वार्थ दा त्याग।
तन मन अते तन दी कुर्बानी मंगदी है। जेड़े गुरसिख जुल्म नु खत्म करन ली मैदाने जंग अंदर जूझदे रहे, अबलावां नु जोरावरां दे पंजां तों छुड़ाउण ली तलवारां वांदे अते इत्थों तक शहीदियां वी पा जांदे, उन्हां दी इह कारगुजारी वी उच्च कोटी दी सेवा दा ही इक रूप है, क्योंकि निमाणियां दी निताणियां दी बियासरियां दी सेवा करना विरलियां दे हिस्से आउंदा है। आम इंसान तां चढ़दे सूरज नु सलाम करदे हन अते समर्थ वालियां दे नाल ही खलोंदे हन, पर गुरु के सिखां ने मजलूमां दी गरीबां दी निताणियां दी निमाणियां दी ऐसी सेवा कीती जिस दी मिसाल लभणी मुश्किल है। सेवा तन नाल मन नाल भावें तन नाल कीती जावे उस विच अभिमान दी लेस नहीं होनी चाहिदी। सेवा ओही भली है जिहड़ी मालक प्रभु नूं प्रवान होवे। अजिही सेवा नाल मनुख दा मन निर्मल हो जांदा है। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्नेया ता पाप कसमल पन्ने। गुरबाणी तां इत्थों तक वी बयान करदी है कि जिस घर विच मनुखां दी परमात्मा दी सेवा नहीं हुंदी ओह घर घर नहीं सगो भूतां दा वास स्थान है। कबीर, जा घर साध ना सेवी है, हर की सेवा ना है ते कर मरहट सारखे भूत बसै तिन माहे। भाई गुरदास जी भी फरमाते हैं विण सेवा त्रिग हाथ पैर होर नेफल करनी, भाव जेड़े हाथ पैर अपने गुरु दे हुक्म मनन दी सेवा नहीं कर सकते उन्हां ते लानत है, उन्हां नूं फिटकार है, सगो झूठियां संसारक प्रशंसा खट्टण लई होर सेवावां करदे हन। असी आम करके ओह सेवा करदे हाँ जिस नाल दिखावा हुंदा होवे अते लोकी जानन कि असी सेवा कीती है, पर गुरमत विच दिखावे अते पखंड लई कोई थां नहीं है। बुद्धा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार, श्रद्धा प्रेम सिदक अते उत्साह नाल कीती गई निष्काम सेवा नूं ही प्रवान कीता गया है, अते अजिही सेवा करन वालियां नूं परमात्मा दी हजूरी विच माण प्राप्त हुंदा है। विच दुनिया सेव कमाई है ता अंदर गै बहसण पाई है, कहो नानक बाल उड़ाई है। पर साथ संगत जी गुरु घर विच सेवा उसी दी प्रवान है जो गुरु दी आज्ञा अनुसार जीवन बिताए अते आपा गुआ के मनुखता दी सेवा करे। गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह। सुंदर शरीर दियां जो दाता मालक ने बख्शिया हन उन्हां दी पर स्वार्थ लई वरतों करे ता ही गुरमुख परम पदवी पाउंदा है। सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई। सात संगत जी सेवा दा खेतर बहुत विशाल है अते किसे रंग जात अते वितकरे दी गुंजाइश नहीं है। सेवा सिखी दी कसौटी है। पखा फेरना, जल सुकाउणा, भांडे मांजना, लंगर पकाउणा अते छकाउणा आदि सेवा दे रिवायती कारज हन। इन्हां दे नाल नाल लोड़वंद धन पदार्थ अते दवाई नाल कीती गई सहायता भी उत्तम सेवा है, परंतु गुरु संदेश नूं संसार दे लोकां तक पहुंचाना अते लोकां नूं प्रभु मार्ग ते तोरन लई गुरमत दा प्रचार करना अति उत्तम सेवा है अते एही अज कौम दी मुख लोड़ है। सतसंग जी आओ इस मनुखा जीवन दी सार्थकता लई असीं भी अपना तन मन अते धन कौम दी सेवा लई अर्पण करिए अते गुरु शिष्य दे पात्र बणीए। गुरबाणी कहती है कि निष्काम सेवा करन नाल सारे सुख प्राप्त होते हैं। नह कपट सेवा की जय हर केरी ता मैं मन सर्व सुख पाई है। इन्हीं ही बेनतियां प्रवान करनिया हो गया बेंत गलतियां लिखिमा करना जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।